मंगत लाल अपनी पत्नी शर्मिली और बेटी रूबी के साथ उदयपुर नगर में रहता था। पेशे से वो एक जमींदार था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और लालची किस्म का इंसान था। उसे पैसे और धन से कभी संतुष्टि नहीं होती थी। वो हर वक्त लोगों से ठगी करके धन जुटाने में लगा रहता था। एक दिन शर्मिली ने उससे कहा, अजी सुनते हो, कुछ पैसे और गहने दे दो, मुझे अपनी भतीजी की शादी में जाना है। क्या तुम हर वक्त मेरे पैसे उड़ाने में लगी रहती हो, है? तुम्हें समझ नहीं आता मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितनी मेहनत से कमाते हो, पर मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मन ही मन सोचते हुए बोली, सबसे लूटते जो रहते हो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम मत जाओ किसी शादीवादी में। शर्मिली के बहुत बोलने पर भी मंगत लाल उसको पैसे नहीं देता और डांट कर उसे शादी में जाने से मना कर देता है। उसके बाद वो घर से ठगी करने निकल जाता है। उसके पास हमेशा एक तोता रहता था। इस तोते के भी बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं, सिर्फ दिन भर खाता ही रहता है, कोई काम का तो है नहीं, इसको किसी काम में लगाता हूँ। तभी उसे रास्ते में बिरजू डाकिया बैंक से पैसे लेकर आता हुआ दिखता है। ये देखकर मंगतलाल ठगी की एक तरकीब सोचता है और जोर से बोलता है, तोते जा और बस स्टैंड पर बस वाले को रोक कर रखना, कहना मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। मंगतलाल के ऐसा कहने पर तोता बस स्टैंड की तरफ उड़ जाता है। ये देखकर बिरजू को लगता है कि सच में ये तोता अपने मालिक का कहा मान रहा है। वाह भाई साहब, क्या ये तोता सच में तुम्हारा कहा मानता है? हाँ, ये मेरा दुलारा और आज्ञाकारी तोता है। ये तो मेरे बहुत काम का है, मैं साइकिल चला चला कर थक जाता हूँ, ये मेरा काम आसान कर देगा। आप क्या सोच रहे हैं, ये तोता खरीदने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये मैं कभी नहीं दूंगा, ये मेरे बहुत काम का तोता है। ओ भाई, ये तोता प्लीज मुझे दे दो ना, मैं तुमको इसका सही दाम दूंगा। मंगतलाल साफ मना कर देता है। इससे बिरजू को और भी यकीन हो जाता है कि ये तोता सच में बहुत काम का होगा, इसलिए मंगतलाल नहीं देना चाहता है। फिर वो उसे थोड़ा ज्यादा पैसे देने को कहता है। भाई, मुझसे तुम इसके 200 रुपए ले लो और ये मुझे दे दो। नहीं भाई, इतना कीमती तोता 200 में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे भाई प्लीज मुझे दे दो ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? कम से कम 1000 रुपए, हालांकि ये भी कम ही है, लेकिन मैं मान जाऊंगा। मंगतलाल के 1000 रुपए मांगने पर बिरजू थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर तोते की काबिलियत को देखकर मान जाता है। ठीक है भाई, अब तोता मुझे दे दो, ये मेरा कहा मानेगा ना? हाँ, अब तक तो ये मेरा कहा मानता था, लेकिन अब मैं इसके कान में कह दे रहा हूँ कि अब से तुम इसके मालिक हो और ये मेरी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारी मानेगा। बिरजू उस तोते को लेकर अपने घर चला जाता है और वहां जाकर उस तोते को संदेश देने भेज देता है, पर वो तोता लौट कर नहीं आता। वो सुबह से शाम तक इंतजार करता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया। रुको, अभी उसको मैं ढूंढने जाता हूँ, फिर उसको बताऊंगा। इधर मंगतलाल फिर से किसी और को ठगने के लिए वही रास्ते से जा रहा होता है। तभी बिरजू उसे वहां मिल जाता है और कहता है, अरे भाई, तुमने मुझे ठग लिया, उस तोते को मैंने संदेश देकर भेजा तो वो वापस ही नहीं आया।
तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों ठगूंगा? मैंने तो तुम्हें अपना दुलारा तोता दे दिया। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? तुमने उस तोते को जहां संदेश पहुंचाने भेजा था वो जगह पहले उसे दिखाई थी? नहीं भाई, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। तो वो वापस कहां से आएगा? तुमने तो मेरा तोता ही घुमा दिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा तोता बेचारा कहां चला गया? मंगत लाल को ऐसे रोता देखकर बिरजू को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो वहां से अपना उदास चेहरा लेकर चला जाता है। इधर मंगत लाल ठगी करके बहुत खुश होता है। अगले दिन हरिया नाम का एक लड़का नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है और तभी मंगत लाल भी साधु का रूप बनाए वहां से गुजर रहा होता है। हरिया को देखकर मंगत लाल बोलता है, बालक, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तुम अपनी नौकरी को लेकर परेशान होना? लगता है ये बाबा अंतर्यामी हैं, मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे परेशानी जान गए। बेटा, तुम परेशान ना हो। मेरा एक कहा मान जाओगे तो तुम्हारी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। हरिया नौकरी को लेकर वैसे ही परेशान था तो बाबा की कही सारी बातें उसे सही लगने लगती हैं और वो मन में सोचता है कि क्यों ना इनका कहा करके देख लूं। हाँ बाबा, बताइए, मैं जरूर करूंगा। बेटा, तुम अगर 500 रुपए अपनी नौकरी के नाम पर मुझ जैसे भिक्षुक को दान करोगे तो तुम्हारी नौकरी 10 दिनों में लग जाएगी। मंगत लाल के इतना कहने पर हरिया थोड़ा परेशान होता है, पर बाबा की बातें सही समझकर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए घर से मिले 1000 रुपए में से 500 वो मंगत लाल को दे देता है। ये लो बाबा 500, लेकिन मेरी नौकरी तो लग जाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर 10 दिन बाद लग जाएगी। हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है और मंगत लाल उससे ठगी करके बड़ा खुश होकर अपने घर चला जाता है। 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन हरिया की कोई नौकरी नहीं लगती। वो गली गली उस बाबा को ढूंढता है लेकिन वो असली बाबा हो तभी तो कहीं दिखे, वो उसको कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन एक बिल्डर उसके गांव में आता है। वो सभी लोगों को अपना ऑफर बताता है। आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है, आप लोग मुझे 1,00,000 रुपए देंगे तो मैं बस 6 महीनों में 1,00,000 पर 10,000 इंटरेस्ट दूंगा। क्या तुम सच में इतना बड़ा ऑफर दे रहे हो? कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगे? नहीं साहब, मैं धोखा नहीं दूंगा। आप मेरा चेक ले सकते हैं, मैं साइन करके दूंगा। बिल्डर के ऐसा कहने पर मंगत लाल को बड़ा लालच आ जाता है। मैं कुछ पैसे देकर देखता हूँ। मंगत लाल बिल्डर को 5,00,000 देता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो उसे बड़ा ही अच्छा रिटर्न मिलता है। फिर ये तरीका जानकर मंगत लाल भी दूसरे गांव में जाकर ऐसे ही लोगों से बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके एक बैंक का चेक साइन कर लोगों को दे देता है। फिर घर आकर पैसे गिनता है। आपको इतने सारे पैसे कहां से मिल गए? मैं पैसे मांगती हूं तो आप मुझे नहीं देते। अब तुम मेरे पैसे को नजर लगा रही हो, हैं? मेरी इतनी अच्छी आमदनी हो रही है, अब चलो जाओ यहां से, हैं? मंगत लाल अपनी पत्नी को डांट कर भगा देता है। जैसे ही लोगों को दिया हुआ समय पूरा होता है तो वो अपना बैंक खाता बंद करवा देता है। फिर वो लोग उस खाते से पैसे नहीं निकाल पाते।
और मंगत लाल की बहुत खोज करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। इधर मंगत लाल, मैं बहुत ही अमीर बन गया हूँ, इतने सारे पैसे कमाकर मजा आ गया। कुछ ही दिन बीतते हैं और दूसरे गांव में वही बिल्डर जाता है तो सभी गांव वाले उसे पकड़ के मारने लगते हैं और उसे ये सारी बात बताते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं किया ना, मैं तो सच में आप लोगों को पैसे देने की बात कर रहा हूँ। लेकिन गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं होता और बिल्डर समझ जाता है कि उसके इस तरीके का कोई गलत फायदा उठाकर लोगों को लूट रहा है। मैं उसी गांव जाता हूँ जहाँ पहले ये स्कीम चलाई थी और उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे चूना लगाता हूँ। बिल्डर उदयपुर गांव में आता है। पैसों से माला माल हुआ मंगत लाल लोन देने के पोस्टर लिए रास्ते से जा रहा होता है। ये देखकर, अच्छा ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी स्कीम का गलत फायदा उठाया। रुको सर, हम आपके लिए फिर एक नया ऑफर लाए हैं। हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या ऑफर लाए हो। सर, अब केवल एक महीने में आपको 1 लाख पर 20,000 रुपए मिलेंगे। ये ऑफर बस कुछ ही दिन के लिए है। ये तो बड़ा ही अच्छा ऑफर है। रुको, मैं सारी जमीन और धन को इसमें लगा देता हूँ। कुछ ही महीनों में इतने पैसे कमाकर अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करूंगा और मैं बहुत अमीर भी हो जाऊंगा। मंगत लाल बहुत ही खुशी से अपने घर आता है और अपनी जमीन के सारे कागजात और रुपए ले जाकर उस बिल्डर को दे देता है और बिल्डर से चेक साइन करा लेता है। आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, दिल थाम कर बैठे रहिएगा। फिर बिल्डर चला जाता है और जाकर वो बैंक खाता बंद करवा देता है। महीना बीत जाता है और इधर मंगत लाल इंतजार कर रहा होता है कि वो बिल्डर आएगा और उसे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन वो नहीं आता। 10 दिन और बीत जाते हैं, फिर वो बैंक के चक्कर लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये बैंक अकाउंट बंद हो गया है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, उसने मुझे ठग लिया। आज तक मैंने लोगों को ठगा और आज उसने मुझे पूरी तरह से ठग लिया। मंगत लाल रोते रोते घर आता है। उसकी बेटी और पत्नी शर्मिली उसका उदास चेहरा देखकर पूछती हैं, तो वो सारी कहानी बताता है। बहुत ही अच्छा हुआ, आप जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम अब घर छोड़कर जा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ठगी नहीं करूंगा। मंगत लाल अपनी पत्नी और बेटी को रोकता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती हैं। मंगत लाल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि फिर वो कभी ऐसा नहीं करेगा। सीख: हमें कभी भी किसी को धोखा देकर पैसे नहीं कमाने चाहिए।